पाटन एवं शैपुरा तहसील के किसानों ने डिवीजन कार्यालय पाटन में दिया धरना, जहां सैकड़ों की संख्या में किसान रहे मौजूद। वहीं किसानों ने कार्यपालन अभियंता नीरज कुचिया पर लगाए गंभीर आरोप। किसानों का कहना कि बगैर लेनदेन के किसानों को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहे। किसान 6-6 माह से डिवीजन के चक्कर लगा रहे हैं। एक तरफ प्रशासन क्षेत्र में मटर की पैदावार के लिए किसानों को नए नए फार्मूले बता रही है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही, जिसको लेकर आज भारतीय किसान संघ एवं अन्य संगठनों ने पाटन में रैली निकालते हुए धरना प्रदर्शन किया। वहीं विद्युत विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर चौहान पर खुल्लम खुल्ला पैसे लेकर ट्रांसफार्मर देने का आरोप लगाए हैं। वहीं किसानों ने बताया कि पिपरिया कला के पास पोकलेन लदे हुए ट्रक ने किसानों के 6 खंभे तोड़ दिए, जिससे किसानों की 15 मोटर 10 दिन तक बंद रही तथा मटर का भारी नुकसान हुआ, जिसकी आज तक कोई FIR नहीं हुई। किसानों ने आपस में चंदा करके लाइन खड़ी की, इसके बाद उनका कार्य चालू हुआ। आगे किसानों ने बताया कि ट्रक मालिक के ऊपर AE चौहान की बड़ी कृपा बरसी, जिसके चलते आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में प्रांत संगठन मंत्री श्री भरत, प्रदेश उपाध्यक्ष ओम नारायण पचौरी, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य पुखराज सिंह चंदे, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य नंद कुमार परोहा, मोहन तिवारी, रामदास जी, जिला उपाध्यक्ष दामोदर पटेल, सुनील पटेल, गजेंद्र सिंह, रघुनाथ सिंह, रामकृष्ण सोनी, रितेश पटेल, तहसील अध्यक्ष शैपुरा वीरेंद्र साहू, सुभाष पटेल, नेत्राम पटेल आदि सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। भारतीय किसान संघ तहसील इकाई शैपुरा और पाटन से दो इकाइयों का एक साथ सामूहिक आंदोलन तहसील पाटन के डी मुख्यालय वन पर यह कार्यक्रम रखा गया है। इसमें विद्युत निवारण समस्या को लेकर यह कार्यक्रम है। जैसा कि किसान 2-3 महीने से परेशान है, ट्रांसफार्मर समय पर नहीं बदले गए और अभी आप देखेंगे कि रवि सीजन में मटर की बुवाई हो चुकी है। एक तरफ जिला प्रशासन कह रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जबलपुर को मटर जिला घोषित किया गया है और अभी कलेक्टर साहब ने मेरे को एक दिन बताया कि साहब 40,000 हेक्टेयर में अभी बुवाई हो चुकी है मटर की और आप लोग प्रयास करिए कि इसका रकबा बढ़े। एक तरफ रकबा बढ़ाने की बात जिला प्रशासन करता है और दूसरी तरफ किसानों को बिजली नहीं मिल पा रही, ट्रांसफार्मर ही नहीं बदले जा रहे, वो लोकल फॉल्ट की वजह से बिजली 6-7 घंटे ही किसानों को मिल पा रही है। तो अब ऐसी स्थिति में किसान कैसे मटर लगाएगा, कैसे उत्पादन करेगा और कैसे जबलपुर को आप मटर का ब्रांड बना के पूरे विश्व में भेजने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अभी जो 2 लाख मेट्रिक टन उत्पादन किसान को मटर उत्पादन करना है और अभी आप देखेंगे कि बिजली की इतनी समस्याएं किसानों के साथ में बनी हुई हैं। इसी को लेकर आज हमारा आंदोलन था कि ट्रांसफार्मर समय से बदले जाएं और बिजली को बढ़ाया जाए। कृषि कार्य के लिए 10 घंटे से बढ़ाकर कम से कम 12 घंटे तो करें, आप रात में बिजली दे रहे हैं 2 के बाद। ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं और लोकल फॉल्ट की भी समस्याएं हैं, तो उसको तत्काल प्रभाव से विद्युत विभाग ठीक करे, जिला प्रशासन से सहयोग करे, ऐसा यह आंदोलन आज। तहसील शैपुरा, तहसील पाटन के किसानों की यहाँ पर जो है वो जले हुए ट्रांसफार्मर शीघ्र न बदलने, और इस समय मटर का सीजन चल रहा है, पिछले 2 महीने से किसान बहुत ज़्यादा क्षेत्र का परेशान है। ट्रांसफार्मर जल जाता है तो 24 घंटे लाइट बंद हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन को किसानों के साथ सहयोग करते हुए तुरंत ट्रांसफार्मर बदलना चाहिए, लेकिन विद्युत विभाग की हठधर्मिता की वजह से पूरे क्षेत्र का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और ट्रांसफार्मर बदलने में 15-15 दिन का समय विद्युत विभाग के अधिकारी लगा देते हैं। कुछ किसान और बोल रहे हैं कि ये लेन देन का काम करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो जो मैं बिल्कुल खुला आरोप लगा रहा हूँ कि जो AE है यहाँ चौहान, इसके और लाइन मैनों की मिली भगत से, और उसमें मेरे को लगता है कि DB सम्मिलित होगा कहीं ना कहीं, और जानबूझकर किसानों के ट्रांसफार्मर लेट देने का काम ये लोग कर रहे हैं और किसानों से वसूली करने का काम कर रहे हैं। एक आरोप और लगा है कि टेलीफोन नहीं उठाते लोगों का। हाँ ये टेलीफोन, ये तो डी और यही टेलीफोन किसानों की इसलिए नहीं उठाते क्योंकि एक किसान परेशान हो जाए, और चूंकि ट्रांसफार्मर बंद है, ट्रांसफार्मर जला हुआ है, तो किसानों को फसल में पानी देने की आवश्यकता है, तो ये सिर्फ वसूली के लिए सब लोग कर रहे हैं ऐसा। मेरा प्रशासन से अनुरोध है, जिला प्रशासन से अनुरोध है, कलेक्टर महोदय से अनुरोध है कि इस पे संकोच लगाने का प्रयास करें। हमारी भी कलेक्टर महोदय से व्हाट्सएप मैसेज हमने उनको किया है और कलेक्टर महोदय हम लोगों की सब बात सुनते हैं, और मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि एक व्हाट्सएप मैसेज कलेक्टर महोदय को हमने उनके उस पर भेजा था,
उन्होंने तुरंत संज्ञान लेते हुए हमारे क्षेत्र को ट्रांसफार्मर बदलवाने में सहयोग भी किया है। तो ऐसा नहीं, और हमने इनकी व्यक्तिगत शिकायत सीईओ और एसी को भी की है किसानों के हित में कि भविष्य में किसानों से किसी प्रकार का पैसा ना लिया जाए। संवेदनशील सरकार है मध्य प्रदेश की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं किसानों के लिए संवेदनशील हैं। जी, आपका नाम? दामोदर पटेल, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ जबलपुर। तो चूंकि गत माह में छुट्टियां ज्यादा थी तो हमको पर्याप्त संख्या में ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हो पाए थे, और जैसे ही हमको ट्रांसफार्मर मिलना शुरू हुए हैं तो दो तीन दिन में इनकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। सबसे ज्यादा समस्या आ रही थी क्या टेलीफोन क्या बजेगा? अब देखो, ये एक ऐसा आरोप है कि कोई किसी के ऊपर भी लगा सकता है ना। मैं जैसे भी आपके साथ बैठा हूँ, अब मेरे पास फोन आएगा तो उसका तो आरोप सही रहेगा कि मैंने फोन नहीं उठाया। सर, आपका जी कहाँ से? कैसा? मैं नीरज कुचेडी पाटन। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।